केदारनाथ धाम में मानवता की मिसाल देने वाले सुरक्षाकर्मी को पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्मानित किए जाने की घोषणा। जनपद रुद्रप्रयाग में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अभी तक धाम में लगभग 6,50,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन हेतु आ चुके हैं। आपको बताते चलें कि श्री केदारनाथ धाम सहित पूरे यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों के साथ कई समस्या भी आ रही है, जिसके लिए पुलिस बलों द्वारा हर संभव सभी की मदद की जा रही है। पुलिस द्वारा जो श्रद्धालु अपने परिवार से बिछुड़ जा रहे हैं, उन्हें उनके परिजनों से मिलाया जा रहा है। साथ ही खोया पाया केंद्र के माध्यम से लोगों के बैग, पर्स, मोबाइल आदि भी ढूंढकर लोगों को वापस सौंपे जा रहे हैं। वहीं बीते रोज मंदिर दर्शन के दौरान होमगार्ड जवान प्रमोद कुमार ने बारिश में भीग कर बेहोश अवस्था में पड़ी बुजुर्ग महिला को अपनी पीठ में उठाकर केदारनाथ धाम स्थित अस्पताल तक पहुँचाया था, जहाँ उसका समय पर सकुशल इलाज हुआ। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग डॉक्टर विशाखा अशोक भदाने ने इन होमगार्ड जवान को नगद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। देखिए, जब से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई है, तब से लगातार यात्री जो है वो बढ़ा ही है यात्रा में। अभी तक जो है 6,00,000 से ज़्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, और हमारा जो पुलिस जवान केदारनाथ धाम में मौजूद है, वो भी लगातार अपनी ड्यूटी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहा है। यात्रियों को जो है दर्शन करवाने हो या फिर किसी भी तरह की समस्या आ रही हो, उसमें भी पुलिस का जवान लगातार यात्रियों की मदद कर रहा है। इसी के मद्देनज़र कल जो है हमारी यात्रियों ने कुछ बुजुर्ग यात्री जो थे, जो चलने में असमर्थ थे और तबीयत खराब हो रखी थी, उनको भी अपनी खुद पीठ पर जो है ढुलाई करके जो है लेके गए हैं। तो ये काफ़ी सराहनीय काम उनके द्वारा किया गया है। इसके लिए जो है मेरी तरफ से उनको नगद पुरस्कार जो है वो भी दिया गया है।